हेलो फ्रेंड्स, देसी रेसिपी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पूजा वर्मा। आज मैं आपको चिकन काली रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए हमें कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन, अदरक, चिकन, सफेद काली मिर्च, नमक, जीरावन, धनिया। अब हम इन्हें पेस्ट बना लेंगे। सबसे पहले हमने तेल गरम किया है। ये तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसमें प्याज का पेस्ट डाल देंगे। अब आप देख रहे हैं ये पेस्ट भूरा हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। हमें इसे हल्के हाथ से लाना है, बीच बीच में इसे हिलाते रहे ताकि चिपके ना। अब हम इसे इसमें काली मिर्च डालेंगे। सफेद काली मिर्च भी इसी में डाल देंगे। और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसे थोड़ी देर ढक देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। हम इसके अंदर धनिया पाउडर भी कर देंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे। अब हमने टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया का पेस्ट बनाया, उसे भी हमें इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। अब इसके अंदर हम दही डाल देंगे। हेलो फ्रेंड्स, चिकन काली मिर्च तैयार है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।